तो आज हम क्यों इतने ज्यादा एक्साइटेड हैं? क्यों हाल है? क्योंकि मारियो इतने सारे महीनों के बाद अपनी फूफो के पास से आ गई है। तो मैं बहुत खुशी हो रही है, मैं बहुत ज्यादा मिस किया था। और आज की एक्साइटेड बात, तो मैंने मिस किया था दादू को। किस टाइम पे आपने मिस किया था दादू को? टाइम पे किस किस टाइम पे? किस किस टाइम पे? नहीं, एक और दिन नहीं, दुद्दू के टाइम पे। हाँ। जब आपको कोई सुबह का मिल्क नहीं देता था। दुद्दू के टाइम पे भी, दोपहर के दुद्दू के टाइम पे भी, और रात के दुद्दू के टाइम पे भी, और खेलने के टाइम पे भी। तो आज हम क्यों ज्यादा एक्साइटेड हैं? आप लोगों को पता है गाइस के फूफो ने और दादा ने हमारे लिए इतने सारे लेके आए हैं, कुछ पीने के, कुछ खाने के, और हाले ने बहुत मुश्किल से वो चीजें बचाई हैं। हाले मत बताओ, वीडियो बनाना चाहे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम अपनी खुशी आप लोगों के साथ भी शेयर करें और आप लोगों को भी दिखाएं कि दादू और फूफो ने हमारे लिए क्या क्या भेजा है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये है सारे गिफ्ट्स। तो सबसे पहले ये बिट्स आती हैं, तो इसे कहते हैं गाइस लव एंड अफेक्शन। 84th डे हमारे जो फूफो के बेटे उनका निकाह था, हमारी फूफो का प्यार देखिए, उन्होंने अभी तक बिट्स बचा के रखी हुई हैं। और इन बिट्स को हम आपको ओपन करके दिखाएंगे, लेकिन ओपन करने से पहले नहीं हाले पहले ओपन कर दें। यस, तो ओपन करते हैं। हाले ने बड़ी मुश्किल से बिट्स बचा के रखी हुई हैं, तो ओपन करते हैं। ये मेरी हुई, कितनी प्यारी बिट है, इसके ऊपर एक क्राउन भी बना हुआ है, इसका डिजाइन हमें बहुत प्यारा लगा है। तो अब इसको ओपन करते हैं। लेट्स गो टू ओपन। हाले आजकल आपको ज्यादा इंग्लिश में बोलने लगी। वाओ, मैंने सारा क्राउन खराब कर दिया, दिल नहीं कर रहा था खराब करने का। मेरे पर मेरे खाने मेरे इंग्लिश में दिखाओ आपको। इसके अंदर क्या क्या है आपकी? इसके अंदर है एक्लेयर, इसके अंदर है क्या कहते हैं इसको, छुआरा, छुआरा है। इसके अंदर ऑलमंड्स हैं, और इसके अंदर है क्या, ये इलायची, इलायची है, और ये है। देखिए कितनी सारी चीजों, चॉकलेट भी है। मुझे नहीं मिला हुआ। चले अब आपको निकाल के कुछ पिक्स दिखाते हैं, तो आप देखने के बाद हम आपसे मिलते हैं। नेक्स्ट की थी, नेक्स्ट चीज की तरफ चले। तो नेक्स्ट चीज है, आप बताओ, पहले मैं ऐसे करके दिखा दूं। तो ये है अम्मा बाबा के लिए डेमला कॉफी कैंडीज, और आपको पता है कहाँ की है? ये टर्की से आई है। हाल ही इसके बारे में कुछ बताएं आप। ये अम्मा बाबा के लिए, ये अम्मा को बड़ी पसंद है और बाबा को भी बड़ी पसंद है। और ये है बाबा के लिए, लेकिन मैं भी इसमें से कुछ लूंगी क्योंकि मेरी आधी जान तो कॉफी में है। सो नेक्स्ट चीज, एक मिनट पहले बताना। तो ये हमारे लिए आई थी कैंडी फूड बॉनबॉन, जो सबको पता है बहुत ही टेस्टी होती है, मगर हाले से रहा नहीं गया। हाले ने इसको कर लिया ओपन और अपनी निकाल ली। और इसमें अब आप बताना नहीं कैंडी के बारे में कुछ, आपको कैसी लगती है? बहुत मजे की होती है, इसके सारे फ्लेवर्स। ये मेरी बॉटल, और इसको ऐसे खोला जा सकता है। मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकती? नो। आगे तो करके दिखाओ इस पे क्या बना हुआ है। इस पे फ्रोजन बनी हुई है। आप मेरी बॉटल, आप इतनी चीजें दिखा चुके हैं, मुझे चैन से दिखाने दें। चैन से दिखाने दे। ये है ऐसे करने के लिए, गप करके पीजा। चलो मैं नेक्स्ट चीज दिखाती हूँ, माय वाटर बॉटल। हाले बोलती वॉच योर बॉटल, मैं बोलूंगी वॉच योर बॉटल। और इसका कलर देखिए कितना प्यारा है, येलो कलर का। और ये इसको इस तरह से पकड़ के लेके जाऊंगी और इस तरह से पी लूंगी। तो इसकी सबसे ज्यादा अच्छी चीज लगी मुझे, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और इसका कलर बहुत ही ज्यादा प्यारा है। परफ्यूम, तो ये एक परफ्यूम है, ग्लोरियस परफ्यूम। इसकी स्मेल
बहुत ही ज्यादा अच्छी है। मैं आपको कैसे दिखाऊं सुखाऊं, तो ये देखिए इसका स्टाइल देखिए ओपन करके, जैसे फ्रिज में ओपन होती है ये देखिए। इट्स नॉट परफ्यूम शांजे, इट्स इतर। कितना प्यारा है हाले इसकी पैकेजिंग। आपको चाहिए? हाँ जी जी। अब हाले अपनी चीज दिखा दें। नेक्स्ट, ये मेरी पसंदीदा शक्कर। नेक्स्ट परफ्यूम। ओके परफ्यूम एक और भी है, तो ये परफ्यूम है ना, ये भी इतर है। मेड इन आई थिंक दुबई। Yes, it's from Dubai. ये देखिए ये ब्लैक कलर का फूल। मैं सोच रही थी अगर हम ब्लैक फूल फॉर 24 आवर्स करेंगे यूजिंग ब्लैक थिंग्स, हम उसमें यूज कर सकते हैं। Yes, of course. Wow, हाले इसकी बॉटल देखिए कितनी प्यारी है, और इसका कैप भी। कैप परफ्यूम है ये देखिए। वाओ हाले मुझे तो बहुत पसंद है, इसकी पैकेजिंग इतनी प्यारी है। सॉरी, चलो हाले अपनी चीज दिखा दो, मुझे तो ये बहुत पसंद आया। ये है शक्कर, मेरी फेवरेट। हाले का एवरी टाइम स्नैक। ये इतनी शुगर वाली शक्कर होती है, बहुत खतरनाक। नहीं नहीं, जो व्हाइट शुगर होती है वो हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं होती, इसलिए हमें चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा ये वाली शक्कर यूज करें। अच्छा, तो अब आप ये बताएं कि इस शक्कर की क्या खास बात है। शक्कर तो यहाँ से भी मिलती है। वैसे मैं नहीं खाती हाले, आप बताओ। I don't know. इस शक्कर की खास बात ये है कि ये प्योर है, खालिस है। हम जो शहर से शक्कर लेते हैं यानी सिटी से लेते हैं उसमें मिलावट होती है, लेकिन ये बिल्कुल ओरिजिनल ब्राउन शुगर है। मैं भी इसको खाया करूंगी हाले। तो एक स्पून बाउल में डाला खा लिया, फिर एक स्पून बाउल में डालिया खा लिया जी। हाले का एक फुल टाइम स्नैक हो गया। अच्छा, तो पहले हम ये मेरे दिखा दे। दिखाएं जी। ये मेरी बहुत ही ज्यादा अच्छी चीज है, मुझे ये तो ये जो चीजें हैं मेरी बहुत ज्यादा पसंद आई है, जिसमें स्टोलर भी है, कुर्ते भी हैं और मामा का सूट भी है। तुम बैठ जाती हूँ। ये देखें, ये एक स्टोलर पर्पल कलर का कास्नी कलर का स्टोलर है, जिसपे ये बीड्स लगे हुए हैं। ऐसा लग रहा है बेच रही हूँ। ये देखिए मैं कैसे दिखाऊँ, इतना प्यारा है इसके बीड्स, जिसका कलर मुझे सबसे ज्यादा प्यारा लगा है। तब नेक्स्ट चीज पे जाते हैं, ये भी एक ग्रे कलर का स्टोन जिसपे ग्लिटर लगा हुआ है। अब नेक्स्ट दिखाते हैं, ये है एक कुर्ता जिसपे ये हुआ हुआ है। वाओ कितना प्यारा, कलर भी इसका बहुत प्यारा है। ये गाइस आप देखो इसका हैंडल बना हुआ है। हाले मैं दिखा रही हूँ ना, ये भी एक शर्ट फ्रॉक है, सॉरी फ्रॉक है। इसपे भी कढ़ाई हुई है, कितना प्यारा है स्किन कलर का। और हाँ ये है मेरा कैजुअल पहनने के लिए, क्या कहते हैं इसको, फ्रॉक है। इसका कलर मुझे बहुत प्यारा लगा। और हाँ अब आती है मामा का सूट जो मुझे बहुत प्यारा लगा, तो ये है बोनांजा सत्रवी का सूट। थोड़ा सा मैं खोल के दिखा देती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है बेच रही। बाजी आप पहले इसका कार्ड देखें और आप देखिए जरा इसका सूट। ये है दुपट्टा, उसके बाद ये इसके शर्ट के नीचे पैच लगेंगे, और ये है ट्राउजर, इसका कलर भी बहुत प्यारा है मैरून कलर का। और ये है शर्ट। तो ये चीजें मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई है, खाने वाली चीजें कोई पीछे छोड़ दो, ये बहुत पसंद आई है। थैंक यू कोकोन दादो। चलो हाले अब गाइस मैं आपको बात जान चाहती हूँ, रेडीमेड जो बाहर से गिफ्ट मिलते हैं वो तो आपको कोई भी दे देगा खरीद के, मगर ये जो देसी चीजें ना, ये मतलब ये जो हमने चीजें फूफो ने भेजी है ना बना के, एक तो इनमें टाइम लगता है, ऊपर से मतलब क्या कहूँ, शदीद गर्मी में इतनी देर किचन में रहना तो सबसे पहले नामुमकिन नहीं है। ये उन्होंने हमें बना के भेजा, पॉसिबल है। तो सबसे पहले आते हैं ये देसी घी, जिसकी अब दादा हमें बना के देंगी पराठे। और हाले खाएगी, कैसे खाएगी, हा?
हाले दादू को आती गाजर पराठा देती है। दादू जब आपने पराठे बना के देंगी ना आपको पता है गाइस पीछे सोफे पे हमारी दादू बैठी है। तो ये है देसी घी जिसकी अब मैं खाऊंगी पराठे और मैं हाले की तरह हो जाऊंगी मोटी काफी सी। तो ये है ये देखिए ये फूफो ने खुद अपने हाथों से बनाया है। ये दो तरीके के अचार है, एक है ये लहसुनों वाला अचार जिसमें उन्होंने काट कर मसाला भरा हुआ है जो बहुत ही टेस्टी है, मैंने टेस्ट किया है बहुत ज्यादा टेस्टी है, थैंक यू अगेन। और इसमें ये आम अचार है जिसमें अंबिया मसाले मिर्चे वगैरह ढली होती हैं जो दिखने में ही इतना अच्छा में से निकलता है। तो ये देखें ये सारे गिफ्ट्स मेरी फूफो ने और दादो मेरी फूफो और दादो लाई है। तो एंड पर बस मैं यही कहना चाहूंगी दादो और फूफो आपका बहुत बहुत ज्यादा शुक्रिया। शांजे लेकिन अभी तो तुम्हारी खाला और नानो नाराज हो गई हैं, उनको कैसे मनाना है? अच्छा उन्होंने भी गिफ्ट भेजे थे मगर हम वीडियो नहीं बना पाए तो सॉरी खाला और फूफो खाला और नानो सब मिक्स हो गया। तो मैं आपसे बात पूछना चाहूंगी कमेंट सेक्शन में आप अगर मुझे बताना है आप लोगों को आप किससे ज्यादा प्यार करते हैं अपनी फूफो से या खाला से। तो मैं तो दोनों से इक्वली करती हूँ मगर आप एक बार बताओ आजकल जो खाला है ना वो ईमानदार से ज्यादा प्यार कर रही जिससे जो मेरे साथ उनका प्यार है ना वो कम होता जा रहा है फूफो से बढ़ता जा रहा है। और जब ये खाला वीडियो देखेंगी देखती हूँ उनका क्या रिएक्शन होता है क्या कहेंगी मगर ये सच बात है। और हाले को हर वो बंदा अच्छा लगता है जो हाले को गिफ्ट देते हैं है ना। तो एक अगेन थैंक यू फूफो एंड दादो। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।